आज मैं मुलाकात करूं हमारे गांव का सुखना राम जी मेघवाड़ बे है पूरे पंचायत समिति सदस्य स्वर्गीय मगर राम जी मेघवाड़ के सगे भाई जी की मैं काल आन लोग सूचना सुनी है कि रामेश लाल डुगडू की तबीयत खराब हुई बने अठू जयपुर ले गया हॉस्पिटल में बने भर्ती करे है बंग जी की तबीयत है जी की बहुत ज़्यादा खराब है। तो सुखना राम जी के थोड़े दिल में दर्द हुई है ए भगवान अरदास करनी चाहे और आ अरदास भगवान कहने का मतलब है भगवान सुने और रामेश लाल डूडी की तबीयत है जी को सुधार करे। तो हुगना राम जी बताओ थे रामेश लाल डूडी थारू किता करीबी रही है और के कहना चाहो थे और क्या बंग सुधार हुए भगवान के अप्रीत करो थे बताओ। भगवान से प्रार्थना ये है कि रामेश लाल डूडी साहब हमारे लोकप्रिय बहुत बड़ा नेता और किसानों के मसीहे थे। अभी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान रामेश लाल डूडी को हमारे बीच में लाए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी इनकी मतलब स्वास्थ्य ठीक हो। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा दुख हुआ कि हमारा नेता इससे कैसे हो गया अचानक, ये हम कहने चाहते हैं। तो थेगुना राम जी एक चीज़ तो और बताओ थे कि रामेश लाल डुड्डी की तबीयत ज़्यादा नाजुक है, विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ना है, बिंग बारे में थे के कहनी चाहो। बिंग कहने का मतलब ये है कि रामेश लाल डुड्डी साहब ये चुनाव रामेश लाल डुड्डी का ही था और इस चुनाव में ये मतलब है भगवान से हम प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी इसकी तबीयत ठीक होकर चुनाव की जनता के बीच में आए और अच्छी अच्छी बात कहकर अपने राज्य में बड़े सबसे बड़े मंत्री बनने की इच्छा हम भगवान से दुआ कर रहे हैं। तो थे एक और बताओ रमेश लाल डुड्डी ये बने आमने राजस्थान में किसान केसरी के नाम प्रसिद्ध है और किसान केसरी के नाम बे पूरे राजस्थान में एक लोकप्रिय है। तो थे बांग बारे में के कहना चाहो, कहाँ थर मुलाकात तो है कती बार वीडियो है के कहना चाहो, किस है बांग दिल का किताब साफ है किता बे किसान की मतलब आवाज़ सुनाए बताओ। बहुत उनकी आत्मा है किसाना प्रति बहुत बड़ी आत्मा है और किसानों की बहुत बहुत निगराखते हैं। इनके किसान के कोई भी किसी विपदा में इसका फोन उठ गया तो वो एक पग के तान हो गया, उसके किसान के लिए बहुत बड़ी इनकी आस्था बड़ी है। इसलिए किसानों की रमेश डुड्डी साहब की तबीयत खराब होने से किसानों की हार हो रही है नोखों की। तो थे एक और बताओ कि रमेश लाल डुड्डी जी की मिस्टेक होगी साहब की जी को जयपुर ले गुड़ा बट जो आमने अठे का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, तमाम प्रकार का मंत्री MLA आमने पूर्व मतलब वर्तमान जी को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी सगला बट राज जयपुर पहुंच गया और सगला जति भगवान दुआ करे और सगला ही चाहे रमेश लाल डुड्डी जल्दी जल्दी तैयार हुए। तो थे के मानो रमेश लाल डुड्डी को पद मतलब राजस्थान में पूरे भारत में कितो बड़ो है? राजस्थान में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इनका बहुत बड़ा पद है और इनके बहुत बड़ी बड़ी क्यों कि इनकी शाखा साफ सुथरी है जी जी और सबसे सब लोगों से इनका जुड़ाव है। पार्टी का कोई मतलब नहीं, मतलब हर बात का हर आदमी से जुड़ाव है। ये सबसे बड़ा नेता है इसलिए ये केसरी कहा जाता है। तो उगना राम जी एक और बताओ कि आमने गांव में आमने आसे पासे आमने राजस्थान में जगिया जगिया BJP कांग्रेस कॉमरेड मतलब बसपा तमाम प्रकार की राजनीतिक पार्टियाँ जो गांव में बाग मीटिंग करी गांव में मुलाकात करी चुनाव प्रचार करी और आज जिसको काल बाद में अचानक जी पार्टियाँ जी की भी मीटिंग आई स्थगित कर दी चाहे पार्टी BJP कांग्रेस चाहे किसी भी पार्टी हो विपक्ष गया हूँ ही रमेश लाल डुड्डी तक किया चाहे बताओ थे चलाने का मतलब यह है पार्टी है वो तो चुनावी मामला है चुनाव में पार्टियां भी हुए फिर आदमी के लिए कोई पार्टी नहीं है। सब पार्टियों को दुख हो गया कि रमेश लाल जी के क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ भगवान ने क्यों किया ये बात। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी रमेश लाल डुड्डी हमारे बीच में आए और सब जनता को दो शब्द कहे जब जनता खुशी होगी। तो थे के मानो रमेश लाल डुड्डी के थे बहुत बड़ा फेवरेट हो बहुत बड़ा फैन हो? मैं तो फैन की नहीं, मारे भाई साहब के बहुत प्रेमी था डुड्डी साहब, इसलिए मैं तो दो बार मिला, दो बार में मैंने बड़ो आशीर्वाद दियो, इसलिए मेरे उनकी बात सुनते ही मेरे बड़ा दुख हुआ। तो एक कोई मुलाकात बताओ रमेश लाल डुड्डी की जी को थर दिल ने भागी? एक वो युवा मेरे मतलब नोखे गए माँ शहीद कालू राम की मूर्ति को अनावरण किया, इसी टाइम डुड्डी साहब से मैं मिला जी और साहब ने मेरे को कहा कि भाई
ऐसी बात है, अब आप घर मत रहना, किसी लोगों के हमारे लोगों के साथ में रहना, आपके लिए मतलब सभी खराब मत कर देना, अपना है वो झंडा जूंगा त्यों रखना। मैंने कहा ठीक साहब, और दो बार मेरे को कहा कि मैंने कह दिया नहीं आप घर मत रहना, इसको मीटिंग में इनको बेड़ा डाला, ये बड़ा सबसे बड़ा दुख मत करना। इसलिए मेरा बड़ा दुख हुआ कि रामेश लाल जी डूबी गए, क्यों ये तबीयत खराब। तो आप सुन रहे थे सुखना राम जी मेघवाल की जुबानी से, और मैं और बता दूँ पूरे राजस्थान में सुंदरकांड और रमेश लाल रूडी की सही स्वस्थ होने के लिए हर तमाम प्रकार की जनता है जी को दुआ मांग रही है कि किसी भी प्रकार रमेश लाल रूडी स्वस्थ होकर पुणे काम पर लौटे। आखिर में क्या कहना चाहो जनता ने थे, धन्यवाद अर्पित करो। धन्यवाद वही है जनता ने, सारे जितनी पब्लिक है वो भगवान से प्रार्थना करे और रमेश लाल जी रूडी हमारे बीच में आए और सबकी स्वास्थ्य ठीक हो, उनकी जल्दी से जल्दी मतलब शरीर की स्वास्थ्य है वो ठीक हो। तो जनता ने आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।